नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रसिद्ध फिलोसोफर इम्मानुएल कांट का चित्र बनाएंगे। इम्मानुएल कांट ने लाप्लास सिद्धांत दिया था। सबसे पहले हम उनके चित्र का रेफरेंस लेके हल्का हल्का स्केच करेंगे और ब्लैक पेंसिल से ड्राइंग को पूरा करेंगे मोटी लाइन द्वारा। फिर लाइट ऑरेंज कलर उनके चेहरे में भरेंगे और ब्राउन कलर से चित्र का रेफरेंस लेके शेडिंग करेंगे। आंखों के आसपास, लाइन के आसपास शेडिंग करते जाएंगे। नाक के आसपास धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हुए शेडिंग करते जाएंगे। या तो इससे मिलता जुलता चित्र ले रहे हैं या फिर उनके चित्र के रेफरेंस के हिसाब से शेडिंग करते जाएं। दोस्तों, उस समय अंग्रेज और यूरोपीय लोग सर पे एक प्रकार के बाल का जो विग रखते थे, और वो वैसा विग इम्मानुएल कांट के सर पे भी हम बनाएंगे, क्योंकि उनके ज्यादातर चित्रों में ऐसा विग लगा हुआ नजर आता है। गले में एक वो दुपट्टे का जैसा भी उनके टाई की जगह लगा रहता है, वो भी बनाएंगे। सफेद कपड़ा लगा रहता है। बालों की डिटेल करते जाएंगे, ब्राउन कलर से, ग्रे कलर से हल्की हल्की, और उनके जो सूट है उसमें हम पहले ब्लू कलर करेंगे, फिर इसको डार्क करेंगे ब्राउन कलर से। धीरे धीरे हम इसको ब्राउन कर देंगे पूरे सूट को। जहाँ कहीं डिटेल बाकी रह गई है, ऑब्जर्व करते हुए हम वो पूरा करेंगे। आंखों के आसपास हल्की हल्की शेडिंग करते जाएंगे ऑब्जर्व करते हुए, और उनके जो गले में स्कार्फ टाइप है उस पर भी थोड़ी थोड़ी शेडिंग करेंगे। दोस्तों, इस तरह से ये चित्र कंप्लीट हुआ। देखने के लिए धन्यवाद।